आने वाली होली के त्योहार पर शहर में किसी भी प्रकार की अनहोनी के हादसों को टालने के लिए पुलिस प्रशासन ने आरोपियों पर नकेल कसना शुरू कर दी है। इसी के तहत मोतीबाग के बैली शॉप क्वार्टर में अंधेरे का फायदा उठाकर पिस्तौल, जिंदा कारतूस और चाकू, तलवार जैसे हथियारों को लेकर छिपे आरोपी को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। मोतीबाग बैली शॉप क्वार्टर में रविवार 26 फरवरी को अंधेरे का फायदा उठाकर छुपकर बैठे थे, जहां आरोपियों के पास से एक पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस, एक चाइनीज चाकू, एक तलवार, मिर्ची पाउडर और रस्सी जैसी चीजों के साथ छिपकर बैठे हैं। ऐसी गुप्त जानकारी पुलिस प्रशासन को मिलते ही पुलिस ने जगह पर छापामार कार्रवाई कर आरोपियों को हिरासत में लिया, जहां जांच के दौरान आरोपियों के पास से सभी चीजें बरामद की गई। जब आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच की गई तो पता चला कि मुख्य आरोपी सूरज ब्रह्माणे पांचवावली निवासी को तकरीबन 2 साल के लिए शहर से तड़ीपार किया गया था। उसके बावजूद आरोपी हथियारों के साथ शहर में घूम रहा था। इस बात से आने वाले होली के त्योहार पर किसी प्रकार की वारदात का संदेह पुलिस ने जताते हुए अधिक पूछताछ की तो पता चला कि मुख्य आरोपी ब्रह्माणी ने गढ़चिरौली जिले के वर्षा में रहने वाले निखिल शेड में नामक आरोपी को पिस्तौल बेची है। इस बात का पता चलते ही पुलिस गढ़चिरौली जिले के वर्षा पहुंची और निखिल को पिस्तौल के साथ हिरासत में लिया। वहीं पुलिस मामले की अधिक जांच कर रही है कि कहीं यह आरोपी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में तो नहीं थे। दिनांक 26 तारखेला गोपनीय माहिती मिळालेली आहे होती की मोतीबाग बेली शॉप क्वार्टरमध्ये काही सम अंधारामध्ये बसून आहेत आणि ते संशयित वाटत आहे अशी माहिती मिळाल्यावरून पोलीस स्टाफ लगेच त्या ठिकाणी गेला। तर त्या ठिकाणी एकूण 3 आरोपी सूरज महेश ब्राह्मणे, अंकित सुनील वाल्मिक आणि अमन प्रकाश लुणारे हे 3 लोक मिळून आले आणि इतर 2 लोक तिथून अंधाराचा फायदा घेऊन पळून गेले। या लोकांकडे एक लोखंडी पिस्टल, 4 जीवंत कारतूस, लोखंडी तलवार, एक चायनीज चाकू, 3 मोबाईल, मिर्ची पावडर, दोरी आणि एक पल्सर मोटरसायकल असं साहित्य मिळून आला। हे आरोपी कुठेतरी दरोडा टाकण्याचा प्लॅन करत होते आणि त्याची तयारी म्हणून त्या ठिकाणी अंधारात लपून बसलेले होते। तर वेळीच पोलिसांना माहिती मिळाल्यामुळे आपण त्या ठिकाणी जाऊन कारवाई केली आणि मग त्याला गुन्ह्यात अटक केलेला आहे। तडीपार आरोपीना मी सूरज ब्राह्मणे याला 2 वर्षाकरता तडीपार करण्यात आलेला होता। त्या तडीपार दरम्यान त्याचा वास्तव्य अकोला या ठिकाणी होता, तरी परंतु कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता तो पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये परत आलेला आहे। तर त्याच्यावर आपण तडीपारची शिक्षणसुद्धा लावण्यात आलेली आहे आणि हे लोक नेमका कोणत्या कारणाकरता इथं आले होते, कारण त्यांच्याकडे देशी पिस्टल मिळून आलेलं आहे, तरी नेमका यांचा प्लॅन काय होता याबाबत तपास प्राथमिक स्तरावर सुरू आहे। तपासादरम्यान यातील आरोपीने एक पिस्टल वडसा गडचिरोली जिल्ह्यामधील दुसरा एक आरोपी आहे निखिल शेडमेखे याला विकलेला म्हणून सांगितलेला होता, तरी तपासपथक त्या ठिकाणी जाऊन त्याच्याकडून सुद्धा एक पिस्टल रिकवर करण्यात आलेली आहे। त्याप्रमाणे आता या गुन्ह्यात 2 पिस्टल रिकवर झालेले आहे। सदरचा तपास हा प्राथमिक स्तरावर आहे, त्यामुळे बाकीचे बरेचसे नावं उघड करता येणार नाही, परंतु त्या दिशेने तपास योग्यरीती सुरू आहे आणि नेमका आम्ही त्या ठिकाणी जाऊन पोहोचणार आहे। भविष्यात तपास प्राथमिक स्तरावर ज्या विषयावर जास्त बोलता येणार नाही। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षय अंसारी, BCN न्यूज, नागपूर।